ऐसा हुआ तो क्या करूं मैं, ये भी मस्जिद तोड़े तो क्या करूं, घबरा जाता आदमी, दुकान टूट गई रास्ता और रोड वाइंडिंग में चली गई तो क्या करूं, चल रहा है इस तरह से क्या करूं मैं, घबराता आदमी, हुआ नहीं है लेकिन पहले से परेशान होता है, थोड़ा बहुत फिक्र मन होना ये इंसान की फितरत है, इतना घबरा जाना कि जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए ये ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लिकुल शैइन हकीका वमा बलगा अब्दुन हकीकत अल ईमान हत्ता यअलम अन्न मा असाबहु लम यकुन लियखतिअहु वमा अख्ताहु लम यकुन लियुसीबहु। हर चीज की एक हकीकत होती है, हर चीज की एक हकीकत होती है, और एक बंदा उस वक्त तक के ईमान की हकीकत नहीं पा सकता है जब तक कि वो इस बात का यकीन न करे कि जो कोई तकलीफ उसको पहुंची है वो चूकने वाली नहीं थी, और जो तकलीफ उसको नहीं मिली वो उस तक पहुंचने वाली नहीं थी। यानी इस बात का यकीन आदमी कर ले कि जो तकलीफ मुझको पहुंचने वाली है, मैं कुछ भी कर लूं मैं भाग नहीं सकता उससे, अल्लाह अगर मुझ पर तकलीफ डाले मैं भाग नहीं सकता, अगर अल्लाह मुझको बचाने वाला है, अगर अल्लाह मुझको बचाए सारी दुनिया मिलके भी मुझको हलाक करने की कोशिश करे नहीं मार सकते मुझको। ये चीज क्या पैदा करती है, कमजोरी, हौसला पैदा करती है, और आदमी बोलता जो होगा देखेंगे, अल्लाह ताला ये नहीं कि कोशिश नहीं करना है, आदमी कोशिश कर लिया, अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन की डेट भी तय है, सब कुछ सही है, मालूम नहीं क्या होगा, अगर जिंदा रहना रहेगा, मरना है मरेगा, नहीं मरते लोग, मैं भी मरने वाला हूँ, अच्छा ये ऑपरेशन नहीं तो बाद में नहीं मरूंगा मैं, बुढ़ापे में नहीं मरूंगा, कभी ना कभी तो मरना है भाई, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है मरूंगा, नहीं लिखी नहीं मरूंगा, सारे डॉक्टर मिलके भी नहीं मार सकते मुझको। ये अकीदा अगर मोमिन का हो, अगर अल्लाह चाहेगा तिजारत कामयाब होगी, नहीं चाहेगा नहीं होगी, जो तकदीर में लिखा है मेरी वही होगा मेरे साथ, जो मुसीबत पहुंचने वाली वही पहुंच के रहेगी। बाज अंग्रेजों ने कहा ये बात कही, यानी कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, जिंदगी में बहुत सारे मसायल और बहुत सारी चीजें मैंने देखी, और बहुत सारी फिक्रें मेरी ऐसी थी कि जो जिसके बारे में मैं डरता था कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारी उसमें से हुई नहीं। इंसान आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, कितने बार आप सोचे ऐसा होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं हुआ हो तो अक्सर इंसान अपने आप को परेशान करता है ऐसे मसायल में जो वाकई होते ही नहीं। उसका हल ये है कि आदमी ये सोचे कि भाई होना होगा तो होगा, खामखा उसके मुसीबत के आने से पहले शोर मचाने में क्या मतलब है, बेवजह की परेशानी है। तो एक चीज तो ये है, इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है और सही जामे सगीर में हदीस मौजूद है, हदीस सही है। तो एक ये है कि इंसान मुसीबत के आने से पहले बेवजह परेशान ना हो कि ऐसा हुआ तो क्या करूं, हुआ इंसान नहीं क्यों शोर मचाना भाई, एक आदमी अगर बाहर चिल्लाने लगे आग आग, कोई जाके कहां है आग, बोले लगी नहीं, बोले लग तो सकती है, आप क्या कहेंगे, बेवकूफ आदमी, लगी नहीं पहले चिल्ला रहा, बोले लग नहीं सकती क्या, अरे लगी कहां है आग, बेवजह क्यों चिल्ला रहा है तू। हमारे यहां हर एक की मिसाल ऐसी है कि जिंदगी में कितने मसाइल की फिक्र हम करते हैं, बेवजह करते हैं, वो हुआ ही नहीं अभी तक के, लेकिन सोचते हैं ऐसा हुआ तो क्या करूंगा मैं। प्लानिंग करना अलग चीज है, फिक्र करना अलग है, और फिक्र करने से भी बढ़ के ये कि आदमी पैनिक हो जाए, बेवजह की परेशानी है, उसकी बीपी बढ़ रहा है, उसका शुगर बढ़ रहा है, उसका उन मसाइल की वजह से कि अगर ऐसा मसला हुआ तो क्या करूं मैं। तो एक चीज ये है कि आदमी बेवजह परेशान ना हो। दूसरा ये कि एक इंसान ठीक है, अगर वाकई मसला आ गया तब भी इंसान को दो चीजें अपने सामने रखना चाहिए अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए। एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पास्ट में उसकी जो मदद की है उसको याद रखे, और फ्यूचर के जो वादे अल्लाह के हैं उनको भी याद रखे, माजी की नुसरत और मुस्तकबल के वादे हैं, ये इंसान को हिम्मत दिलाते हैं, उसके जख्म पर मरहम रखते हैं। भाई ठीक है, अल्लाह ने मेरी कितनी मरतबा मदद किया, एक बार सोचा था जॉब नहीं मिलेगा भूखा रह जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐन वक्त पे मदद की थी, एक बार ऐसा हुआ था अल्लाह ने ऐन वक्त पे मेरी मदद की थी। हम में से हर आदमी अपनी जिंदगी में जानता है कि उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी मदद की है, उसको ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया, उसको याद रखे। और अल्लाह ने कुरान सुन्नत में, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए ईमान वालों से, उन वादों को अपने सामने रखे, नुसरत के, अजर के, जन्नत के, हिफाजत के जो वादे हैं वो सामने रखे।